होता है? देखिए, भारत के टोटल आबादी का लगभग 10% हम लोग आदिवासी हैं और अधिकांश आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं हैं। तो हमारी मांग है कि प्रकृति पूजक आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से धार्मिक मान्यता दी जाए और मर्यादा के साथ जनगणना में शामिल होने का हमें अवसर दिया जाए। हमने भारत सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है, 20 नवंबर 2022 तक यदि सरना धर्म कोड के मामले पर कोई पॉजिटिव संकेत, फैसला या बातचीत नहीं होती है तो 30 नवंबर 2022 को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में सुबह से शाम हम रेल रोड चक्का जाम करेंगे। उसके बाद और भी कुछ रास्ता अपनाएंगे, लेकिन हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे बीच में से है, चीज़ों को समझती है, उनके साथ 26 अगस्त 2022 को दिल्ली में मुलाकात हुई है। इस विषय पर उनको हम लोगों ने कहा है, आपको ये काम करना है, सहयोग देना है। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आप लोग को बातचीत करनी चाहिए। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। तो मुझे लेकिन भरोसा है कि मोदी साहब और द्रौपदी मुर्मू जी से बात करके, ये हमारा संवैधानिक हक का मामला है, मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत। दूसरी बात, 2011 साल के जनगणना में एनी अदर कोलम में हम आदिवासियों ने लगभग 50 लाख लोगों ने सरना धर्म लिखा और जैन बौद्ध उससे भी कम है अभी, तो जब हम उससे भी ज़्यादा हैं। इस बार कोरोना के कारण से 2021 का जनगणना अभी रुका है, जब भी होगा इतना प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं तो 100 लाख से ज़्यादा लोग इस बार सरना लिखेंगे। और तब भी यदि भारत सरकार नहीं देगी तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि आखिर यह देश संविधान से चलेगा या किसी की मर्जी से चलेगा। और यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट के तहत भी यदि हमको ये अधिकार नहीं मिलेगी तो हम फिर विचार करेंगे और भी आंदोलन के तरीकों को अपनाएंगे। सर, सरना कोड का एक बार पहले ही भेजा गया था, केंद्र राज्य के द्वारा भेजा गया था, लेकिन वहाँ से उसको रिजेक्ट रद्द कर दिया गया, क्या कुछ करेंगे? नहीं नहीं, रिजेक्ट अभी तक हुआ नहीं है, वो स्वीकार नहीं की गई है। इसके कारण हो सकते हैं, जैसे हेमंत सोरेन सरकार ने 11 नवंबर 2000 को विशेष सत्र बुलाकर इसको पास किया, लेकिन सरना धर्म कोड पास नहीं किया, सरना आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी माने ईसाई लोग को भी ढुकाओ, हमको पता है। इसके बाद उसके बाद दूसरा, उन्होंने राज्यपाल का दस्तखत या सहमति के बगैर भेज दिया। तीसरा, 26 सितंबर 2021 को हेमंत सोरेन सर्वदलीय नेताओं का टीम लेकर दिल्ली गए, पेपर में दिया अमित शाह से हम लोग मिलेंगे, जातीय जनगणना पर बात करेंगे और सरना धर्म पर भी, सरना धर्म पर बात नहीं किया। फिर हेमंत सोरेन के पार्टी ने विधानसभा में जब 11 नवंबर 2000 साल को पारित हुआ, खूब लड्डू बाटा, खुशियां मनाया कि काम हो गया। तो हमारा कहना है हेमंत सोरेन साहब को ईमानदारी से काम करने से ये होगा, लेकिन चलो इसके लिए हम धन्यवाद देंगे, कम से कम भेजा है, बंगाल की सरकार ने भी भेजा है। लेकिन इन लोगों को पार्लियामेंट में भी ये बात उठानी चाहिए। तो TMC बड़ी पार्टी है, JMM भी बड़ी पार्टी है, गुरुजी राज्यपाल में है, ये कुछ बोलते नहीं हैं। तो लेकिन जनता जब जाग जाएगी और शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगी तो मुझे नहीं लगता है बहुत समय लगेगा। आज के इस मीटिंग को देश और दुनिया के मीडिया में चला गया है और ये मामला अभी अमेरिका में भी चर्चा होगा कि भारत के आदिवासियों को धार्मिक अधिकार न्याय नहीं दी जा रही है। हो सकता है मामला यूनाइटेड नेशन में उठ जाए, हम लोग उसका भी व्यवस्था करेंगे। और ये बहुत जायज है, इसलिए भी जायज है, प्रकृति और पर्यावरण का चिंता पूरे दुनिया के मानवता को है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में गड़बड़ी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, ओजोन का छेदा बढ़ रहा है, सूर्य की रोशनी से लोग मरने लगेंगे, तो इसके पीछे क्या है मामला? प्रकृति और पर्यावरण का दोहन करना, उसका एक्सप्लॉयटेशन करना। तो आदिवासी तो प्रकृति में पैदा हुआ है, प्रकृति को ही भगवान मानता है, क्योंकि यही प्रकृति उसको हवा, पानी, जमीन, फल, फूल, दवा सब देता है। बाकी लोग का तो मूर्ति पूजा है, भगवान स्वर्ग नरक उन लोग को बताता है, हम लोग का स्वर्ग नरक नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, हम लोग के लिए यही पेड़ पर्वत, चांद, सूरज, यही सब हमारा भगवान है। तो मुझे लगता है मानवता के लिए भी, इंसानियत के लिए भी, पृथ्वी के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, ये सरना धर्म कोड का मान्यता हम सब भारतवासियों के लिए
लाभदायक होगा, इसलिए सरकार को देना चाहिए। हमने 5 मुद्दे रखे कि आदिवासी को अभी तक धर्म की आज़ादी कहाँ दी गई है, हमको दूसरे धर्मों की तरफ ठेला जाता है, मजबूर किया जाता है, तो हम आज़ादी चाहते हैं। भाषा की आज़ादी, 75 साल हो गया आदिवासी भाषा में पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं हो रहा है, तो आज़ादी चाहिए। तीसरी आज़ादी कि आसाम में हमारे आदिवासी 200 साल पहले से गए हैं, इसी झारखंड से, अभी तक ना ST बना ना आसामीज बनाया, उसको टी ट्राइब बोल दिया, तो उसको ST देगा तभी ना आज़ादी होगा। चौथा आज़ादी, झारखंड हमारे शहीदों का सपना था, अबू अदिसम अबू आराज बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू, यहाँ आदिवासी मरने को विवश है, तो यहाँ आज़ादी चाहिए। यहाँ संविधान कानून लागू नहीं हो रहा है, खाली लूटपाट चोरी और भ्रष्टाचारी चल रहा है। पांचवा, ये जो हमारा अपना आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है, वहाँ भी हम जनतंत्र और संविधान को लागू करना चाहते हैं। इसके लिए तो सरकार को भी जिम्मेदारी है ना, गांव में किसी को डाइन बना दिया, किसी को जुर्माना लगा दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तो पुलिस प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन के पास आदिवासी जाता है तो पुलिस प्रशासन बोलता है आप लोग का समाज का मामला है, आप लोग समझ लो, तो ये सब गलत है। तो इन 5 चीज़ों पर हम आज़ादी चाहते हैं, तब हमको सच्ची आज़ादी इस देश में मिलेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।